उत्तर प्रदेश योगी सरकार अपराधियों पर चाहे जितना भी शिकंजा कसने का प्रयास करे पर अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी एक सप्ताह पहले ही पड़ोसी जिले का घटना है। कंप्यूटर कोचिंग करने जा रही एक छात्रा को बारीगांव में दिनदहाड़े अपराधियों ने धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दिया। अभी उस छात्रा की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई कि कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र में उसी तरह का गला पर वार कर हत्या करने का प्रयास किया। बताते चले रामकोला थाना क्षेत्र के फरना गांव से हाईस्कूल की छात्रा जो रोज की भांति कोचिंग करने अपने गांव से रामकोला आती जाती रहती थी। दो तीन दिन से एक लड़का उसे परेशान करने लगा। जब लड़की ने विरोध किया तो लड़के ने उसको जान से मारने के लिए उसके गले पर ब्लेड से प्रहार किया जिससे लड़की लहूलुहान हो गई। कुछ लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला में उसका इलाज कराया। सूचना मिलने पर तत्काल रामकोला थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में लग गए। अब सवाल यह है कि सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो एंटी रोमियो का गठन किया है वह एंटी रोमियो उस समय कहां रहती है जब स्कूल जा रही छात्राओं के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हो जाता है। आखिर कब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे? कब तक सरकार ऐसे मंचलों पर थाना तंज कस पाएगी? क्या मंचले ऐसे ही लड़कियों की जान से खेलते रहेंगे? अब देखना है कि जिले की पुलिस इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कुछ कर पाती है। टीवी इंडिया 18 के लिए कुशीनगर ब्यूरो चीफ ब्रिजेश कुमार पासवान। ये आपके यहाँ एक लड़की के गले में ब्लेड मारने की घटना हुई है, यह कब हुई और कब पता चला आप लोग? तो आपको पता कैसे चला है? पता चला है कि बदलाव वह कह रही हमें जैसे पुलिस को सूचना किया आप लोग? पुलिस के सूचना बहुत जगह मुझे कह रही कॉल बलाकर लेकर जाइए बलाकर लेकर बलाकर से। पुलिस कब आई आपके घर? पुलिस आई जो है कॉल की 9 बजे। क्या एसओ साहब क्या आश्वासन दिया? दरोगा जी क्या आश्वासन दिए हैं पुलिस? लड़की इसके पहले भी सूचना दी है जब कोई लड़का उसको आगे पीछे घूम रहा है? हम चले जैसे तो ये जब कोई तो हम चलते थे पीछे तो नए कारी को ना ही कुछ कर हम तो कोई लेते तो कर गए सादा डेरे हम यही कर दी थी सेल्फी लेकर पीछे पीछे बन गई रहे। किसी लड़कों पे शक है? आपके साथ आज क्या हुआ है? हम स्कूल जा रहे थे तो एक लड़का तो कह रहा है कि यार तुम्हारा खैरियत नहीं है, फिर उसके मारने गए तो भैया के दोस्त से बताया गए तो हम अपने स्कूल में जा रहे थे तो अभी जस्ट गली में घुस रहे हैं तब ब्लेड मार आपके गले पे? हाँ गले। इसके की बात है ये? अच्छा इसके पहले भी वो आपको कुछ कहा था? बात करने के लिए कहता था तो मुझसे बात नहीं करता। तो ये चीजें आप अपने परिवार में बताई हैं पहले? आपका मम्मी और चाची को। अच्छा आज आपके साथ जब घटना हुआ तो पुलिस वहाँ पहुँची थी? नहीं जब हमको वो ब्लेड से मारे लोग तो वहाँ पर कोई था नहीं तो हम उठ नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं रहे थे तो आज से इशारा कर रहे थे तो वहाँ पर कोई था भी नहीं, फिर गए देखने तो सब भाग गए, फिर हम साइकिल उठा कर गए स्कूल में रख बैग रख कर तब तक स्कूल तो सर मतलब अगल बगल के लोग से कहें तो सब आ नहीं रहे तो उसका भैया के दोस्त तुरंत स्कूल में आए तो बोले तो गए। आपके जो टीचर लोग थे वो हॉस्पिटल नहीं ले गए आपको? वो नहीं लेकर गए, वो बाद में गए। आप टीचर से कहीं हैं? हाँ वही वही मतलब कपड़ा बांधी है तो
घर की वाइफ की वही कपड़ा बांधी है, तो उसके बाद तो भैया के दोस्त आए हैं तो लेकर गए हैं ब्लॉक में, और पीछे से सर भी गए हैं कोचिंग। कैसे हुआ है इसके पहले? बच्ची आपसे बताई थी ना, अवगत कराई थी? बतावली आके अम्मी और इतना तो कान धमकी दिए ना, तो हम छोटा लड़का को भेजा नहीं, देखला तो मुकर गए, फिर धमकीन के दे कर चल गए, आज जाते हैं मार दिए बस। अच्छा ये बताइए, थाने में तहरीर वगैरह पड़ा है, दरखास्त पड़ा है, पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, क्या कही है, कुछ आश्वासन दी है? हाँ तो आश्वासन दिया ला, ये पूछा नहीं है, जा बता के ये बता लिए काम कर ली पड़ी के ले गए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।